मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया के लिए प्रचार करने दिल्ली पहुंचे। एक सार्वजनिक बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करके एक ऐतिहासिक गलती की। उन्होंने 3 दिन पहले युद्ध बंद करने के लिए नेहरू की भी आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी सराहना की। शिवराज ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। अब केवल पीओके बचा है और हम निश्चित रूप से इसे पुनः प्राप्त करेंगे। और जब हम ये नारे लगाते थे धारा 370 हटाने की बात करते थे तो कई बार अपने ही कार्यकर्ता कहते थे बहुत मुश्किल है साहब, ये तो चुनाव के समय कहते हैं। जो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। एक काम बाकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपने ऐतिहासिक भूल की थी। हमारी सेना लड़ रही थी पाकिस्तानियों के खिलाफ, लेकिन आपने युद्ध विराम कर दिया। 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। अब केवल पीओके वापस लेना बाकी और वो हम लेते रहेंगे।